हर साल की अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 78 साल के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी किस तरह से बदली और किस तरह के सिचुएशन से अमिताभ बच्चन गुजर चुके हैं। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के कई राज हमने आपके बीच शेयर किए। अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने उन्हें हमेशा दिल से यही दुआएं दी कि अमिताभ हमेशा खुश रहें, खुश मिजाज रहें। लेकिन क्या आपको मालूम है, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का आज जब जन्मदिन है तो उन्हें जन्मदिन पर तमाम तरह के तोहफे भी मिल रहे हैं। हाल ही में माधुरी दीक्षित ने भी उन्हें तोहफा भेजा, संदेश भेजा है तोहफे के तौर पर माधुरी ने अमिताभ बच्चन साहब को, और उन्होंने इस बारे में तोहफे में संदेश के तौर पर लिख कर भेजा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको बच्चन साहब, आशा करती हूँ कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। You are a true legend of Indian cinema and inspiration to me and many including. Have a wonderful year ahead. वैसे माधुरी दीक्षित अमिताभ के साथ फिल्म मोहब्बतें में उनकी पत्नी के रोल ना निभाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवालों से घिरी थी और इनके बीच का रिश्ता टूटा था उसी वक्त ये कहा जा रहा था, लेकिन माधुरी ने उन अफवाहों का खंडन कर दिया है कि माधुरी और अमिताभ बच्चन के बीच सही रिश्ता नहीं है। खैर, 54 साल की माधुरी दीक्षित ने अमिताभ बच्चन, 75 साल के अमिताभ बच्चन को तोहफा तो बड़ा प्यारा दिया। संदेश में वो फोटो भी शेयर किया जिसमें माधुरी और अमिताभ बच्चन जो है स्टेज पर नज़र आए हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर कई तस्वीरें वायरल हुई। अमिताभ बच्चन के लिए उनके जन्मदिन पर काफ़ी कुछ बात सामने आई। सलमान खान के होश तोड़े होंगे ये देखकर कि अमिताभ बच्चन के लिए बधाइयां और उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजी हैं उनकी कोस्टार माधुरी दीक्षित, क्योंकि माधुरी सलमान की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन माधुरी दीक्षित ने पोस्ट शेयर किया अमिताभ बच्चन के लिए, सलमान ने नहीं किया। सलमान खान को तो धक्का लगा क्योंकि सलमान खान ने ऐसा नहीं किया। ऋतिक रोशन ने भी मेगा स्टार के लिए बर्थडे पर संदेश भेजा है, ज़रा पढ़िए ऋतिक रोशन ने क्या कहा। ऋतिक रोशन ने कहा, डियरेस्ट अमित अंकल, आई विश यू गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस। Thank you for inspiring millions like me. Will forever be your fanboy. Happy birthday, Sir Bachchan. ये लेकर ऋतिक रोशन ने भी बधाइयाँ दी हैं जन्मदिन पर अमिताभ बच्चन को और उनके लिए शुभकामनाएँ भेजी। वैसे शाहरुख खान ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन को उनके जन्मदिन पर बधाइयाँ दी हैं, तो हम उनसे भी आपको वाकिफ कराएंगे। अमिताभ बच्चन यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन के ससुर जूनियर बच्चन और श्वेता बच्चन के पिता श्री और जया बच्चन के पति अमिताभ बच्चन की हम बात कर रहे हैं। अमिताभ ने शुक्रिया अदा लोगों का किया था, धन्यवाद कहा था अमिताभ बच्चन ने हर किसी को जन्मदिन पर बधाइयाँ देने के लिए, जो हर साल केक काटते हैं और जिन्हें हर साल तोहफे भी मिलते हैं केक काटने पर, उन्हें इस साल बर्थडे बहुत सिंपल तरीके से मनाते हुए देखा गया है। ना तो उन्होंने भीड़ में किसी से मुलाकात की और ना ही अमिताभ बच्चन ने किसी और के साथ कोई भी तरह की बात की है। लेकिन अमित जी को बधाइयाँ माधुरी दीक्षित के अलावा देवगन परिवार से भी मिला है। जी हाँ, अजय देवगन ने भी अमिताभ बच्चन को विश किया और कहा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर अमित जी, प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेज फॉर अ ग्रेट ईयर अहेड सर। अमिताभ बच्चन साहब के लिए
तो दुआएं यहाँ पर अजय देवगन ने भी भेजी हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं मिलने के साथ साथ आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के लिए इस वक्त उनके जन्मदिन पर बधाइयों के साथ बड़ा तोहफा मिला है। उनकी अपकमिंग फिल्म है प्रभास के साथ पहली बार वो नज़र आएंगे, दीपिका के साथ दूसरी बार नज़र आएंगे, इसे लेकर ही अमिताभ काफ़ी खुश हैं। वैसे देखिए ज़रा अमिताभ बच्चन बर्थडे से पहले क्या करते नज़र आए। अमिताभ बच्चन नज़र आए हैं कौन बनेगा करोड़पति शो की शूटिंग में व्यस्त, जहां वो बैठे कुछ इस तरह नज़र आए वॉइस ओवर के लिए। इसके अलावा अमिताभ ने शुक्रिया अदा कहते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, Your generosity and love be the greatest gift for the 11th. I cannot possibly ask for more. यानी कि ये प्यार जो माधुरी दीक्षित अजय देवगन जैसे सेलिब्रिटीज उन्हें दे रहे हैं, इसी प्यार के लिए तो हमेशा शुक्रगुजार मानते हैं अमिताभ। उनका कहना है कि ये मेरे लिए सब कुछ है, इससे ज़्यादा और क्या मैं मांगूंगा, ये कहा है उन्होंने। वैसे उनके तमाम चाहने वालों ने भी अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर उन्हें बहुत सारी विशेष दी हैं। अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे है तो भला कैसे ना उन्हें विशेष मिले, कैसे ना लोग उनकी तारीफ करें। हर जगह अमिताभ बच्चन साहब के बर्थडे पर उन्हें मिल रहे हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे तोहफे, क्योंकि आज अमिताभ बच्चन का है बर्थडे। अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म की अनाउंसमेंट हुई उनके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर, तो वहीं मनमूर्ति ने भी उन्हें साउथ की तरफ से विश किया है हैप्पी बर्थडे अमिताभ सर। इसके अलावा ये सभी सेलिब्रिटीज़ के आप पोस्ट पढ़ सकते हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के लिए बर्थडे विशेस भेजे हैं। जी हाँ, कोरोना की महामारी से लड़ने के बाद अमिताभ बच्चन जो हैं पूरी तरह से बिजी हैं, और अमिताभ बच्चन आने वाले समय में फैंस को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर सरप्राइज देने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अमिताभ बच्चन के लिए इस वक्त बड़ी खुशखबरी ये है कि घर पर उनकी प्यारी पोती और उनके प्यारे प्यारे लोग हैं जो उन्हें फैंस हैं जो उन्हें विशेष भेज रहे हैं। महेश भाभू सुपरस्टार ने भी उन्हें विश भेजा है हैप्पी बर्थडे अमिताभ बच्चन सर ये कहकर। इसके अलावा फिल्मफेयर मैगजीन की तरफ से भी उन्हें बधाइयाँ मिली हैं, ढेरों सारी शुभकामनाएं अमिताभ बच्चन साहब को इसी तरह से मिल रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।